आपको क्या लगता है आज कमी क्या हुई सर फाइनल में? सर आज का जो मेरे अनुसार है ना डिफेंस अच्छा नहीं खेला है, डिफेंस ने काफ़ी गलतियां करी हैं, उसमें किसी व्यक्ति विशेष की नहीं सभी की है, सब आ गए इसमें। डिफेंस ने जो चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट 2-3 मिनट में इतनी बढ़िया लीड मिली थी टीम को, 11-3 थे, तो बहुत जल्दी डिफेंस ने उनको वापस दे दिया और रेडरों ने कोई सूझबूझ से भी काम नहीं किया, उधर भी गए जब थोड़ा देखना चाहिए था थर्ड रेड किसकी है, किस टाइम क्या करना है। जोगिंदर भाई आप लोग काफ़ी लीड लिए हुए थे 6 पॉइंट का शुरू में। हेलो हाँ, पर एक एक गेम पलट कहाँ गया बस? हेलो 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 हेलो, देखिए सर हम दोनों टीम फाइनल में आई हैं, तो वो भी हमारे टक्कर की टीम थी, हमारी भी अच्छी टीम थी, उनकी भी अच्छी टीम थी। ये मैच ऐसे होते हैं सेमीफाइनल और फाइनल, जो ज़्यादा गलती करता है वो लूज हो जाता है और जो कम गलती करता है वो विन हो जाता है। हमारे से गलतियां हुई, रेड में भी गलतियां हुई, डिफेंस में भी गलतियां हुई, स्टार्टिंग में हमारी लीड थी और जैसे कोच साहब ने कुछ डायरेक्शन दी थी उसके हिसाब से ना रेडर खेल पाए और ना डिफेंस खेल पाए, इसलिए हम लूज हुए। और हमारी टीम बहुत अच्छा खेली है, इस लीग के फाइनल में आई है, सभी सुपर टीम थी। ये नहीं है कि हमारी टीम यहाँ आके अच्छा नहीं खेली, ठीक है हमारे से मिस्टेक हुई, हम लूज हो गए, लेकिन हमारी टीम इस लीग के अंदर बहुत ही अच्छा खेली है और बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करा है। जैसे नया लड़का अपना नवीन कुमार था, इसने आपने देखा मतलब एक तरफा इस लीग के अंदर इतने कम उम्र के लड़के ने इतना अचीव किया है जो कोई नहीं कर सकता। तो मेरी टीम एज ए मैं कैप्टन होते मेरी टीम बहुत अच्छा खेली इस लीग में और मैं संतुष्ट हूँ अपनी टीम से। हाँ ये फाइनल मैच था, हमारे से गलतियाँ ज़्यादा हुई रेडर से भी डिफेंस से भी और हमने लूज हो गए। जोगिंदर कौन सा था आप किसको टर्निंग पॉइंट माने? नहीं नहीं सर टर्निंग पॉइंट तो कभी आया नहीं मैच का, हम जैसे 11 पॉइंट थे हम लीड में थे तो टर्निंग पॉइंट तो होता सर किसी मोमेंट पे एक 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 पॉइंट मैच को बदलता है, तो ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं था मैच का, मैच हमारे से हाथ से निकल गया और ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं था मैच का। जोगिंदर नवीन कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर से आपने सुपर 10 बनाया, पर आप जैसे कल बताए थे कि आप प्रेशर में कभी नहीं आते हैं, आपको आज कुछ प्रेशर लग रहा था क्या? नहीं सर प्रेशर की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जो स्ट्रेटजी बनाई थी जिससे हमें खेलना था, टीम वर्क था, हमारी टीम वो नहीं कर पाई, ना ही रेडर ना ही डिफेंस, बहुत गलतियाँ आई तो उसी वजह से हम लूज हो गए। जोगिंदर तो मतलब राइट कॉर्नर से आपके काफ़ी पॉइंट गए, रविंदर पहल के काफ़ी अनसक्सेसफुल टैकल थे, तो उनके लेफ्ट रेडरों के खिलाफ कहीं मतलब खाली रविंदर की नहीं आपके कवर भी वीक पड़े क्या थोड़े, कैसा था? नहीं नहीं कवर कैसे, हमने स्टार्टिंग में बहुत कैच करी उनकी, ये बताओ अगर फर्स्ट में एक भी बोनस गया एक भी पॉइंट गया उनके रेडरों का तो भूत निकाला है मेरे कवर ने तो स्टार्टिंग में, ये बताओ आप। ठीक है टीम अच्छा के लिए ब्रदर, ठीक है हमारे से मिस्टेक हुई, हमने इसलिए लूज हुए, ये नहीं है कि हमारा कोई राइट कॉर्नर या लेफ्ट कवर अच्छा नहीं खेला, हमारी टीम सभी अच्छा के लिए, हमने ज़्यादा मिस्टेक की हम लूज हो गए, उन्होंने अच्छा किया वो विन हुई। नवीन फिर से अच्छा ही खेला आज, लेकिन टीम रिवाइव नहीं कर पाया उसको आज, रेडर ने या डिफेंस ने भी रिवाइव नहीं कर पाया। देखो मैं क्लियर कहता हूँ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, नवीन तो रिवाइज कर पाया, नवीन तो लास्ट 2 मिनट रही तब भी रिवाइज कर देता, थर्ड रेड आई थी फिर उसके रेडर को छेड़ दिया। मैं तो टोटली मान रहा हूँ कि आज डिफेंस अच्छा नहीं खेला है, मेरी जो थिंकिंग है। कोच जब हाफ टाइम पे स्कोर इक्वल था फिर सेकेंड हाफ में एकदम 10 पॉइंट आगे निकल गई बंगाल की टीम, तब आप क्या सोच रहे थे, आप क्या बोले अपने प्लेयर्स को? भाई यही बोला था भाई इसको रिवाइव करो, मेहनत करो दोबारा इसको रिवाइव करो, मैच को जीतो, मोटिवेशन यही होती ज़्यादा। कोच मोहम्मद नबी बख्श स्पेशली 3-4 के डिफेंस में काफ़ी पॉइंट लगे गए, तो उनके खिलाफ क्या मतलब बेहतर कर सकते थे और उन्होंने क्या अच्छा किया मतलब? वो अच्छा किया उसने, वो पॉइंट ले गया है, तो हमें अपने खिलाड़ियों को जो बोला था स्ट्रेटजी बनाई थी नबी बख्श के लिए भाई आप इस प्रकार से करना, वो उन्होंने नहीं किया तो उसको पॉइंट ले गया। नवीन के बेस्ट प्लेयर के प्राइस के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ इसको 20 लाख रुपए मिले हैं जो हिंदुस्तान में
सबसे ज़्यादा एक प्लेयर को मिले हैं आज तक प्रो में, इससे ज़्यादा किसी ने नहीं मिली, इसके लिए तो मैं ये बधाई का पात्र है। ये टीम का सभी का मोटिवेशन है, हमारे खिलाड़ी को इतना मिला है और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से कि कुछ हमारे जो जिस इतनी इसने मेहनत करी है तो उसने भी कुछ वैल्यूएबल एक अवार्ड अवार्ड पैसे पैसे नहीं, एक मैसेज भी गया है पूरे वर्ल्ड में भारत में कि वे मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी हिंदुस्तान का। एक तो बेस्ट रेडर होता है, एक बेस्ट कैचर होता है और मोस्ट वैल्यूएबल मोर इम्पोर्टेंट है जो आज इसने मिला है। मोस्ट वैल्यूएबल तो आप समझो हो, तो इसके लिए तो ये बधाई का पात्र है और ये टीम भी बधाई के पात्र है जिसकी वजह से इसको इतना अचीवमेंट हुई है। और एक ये सितारे के तौर पर आज भारत में उभ रहा है। हार जीत तो एक टीम की तो होनी है, देखो दो तो वो गोल्ड मेडल लेती नहीं है, मैं मानता हूँ हमने गलती करी है, हम हार गए हाँ, और परंतु ऑल ओवर परफॉर्मेंस जो नवीन के बारे में बात है तो वो तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस लेकर ये चला गया 3 महीने के दौरान, एक याद भरा क्षण है ये भी हमारे लिए। नवीन आपका क्या कमेंट है एमवीपी के ऊपर? आप मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं, नवीन का कमेंट जानना चाहेंगे हम। हैं? नवीन खुद का एमवीपी जो बने उनका कमेंट आप भी बताओ ना। काफ़ी अच्छा लग रहा है सर, खुशी हो रही है, घर वाले भी खुश होंगे। नवीन जो सीज़न के स्टार्ट में जो आप थे और अभी एक पूरे सीज़न में इतना अच्छा खेलने के बाद ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट, तो क्या फ़र्क है आपको लगता है खुद में सीज़न के स्टार्ट में जो नवीन था और अभी जो है उसमें? वैसा ही हूँ सर, खेल ही बदलता है, बंदा थोड़ी ना बदलता है। कुछ नई चीज़ें आपने सीखी है ये पूरे सीज़न में, कुछ नया चीज़ आपके आया गेम? हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है, हार जीत भी ज़रूरी होती है और कोच साहब जोगिंदर भाई से एक्सपीरियंस कि बहुत ज़्यादा मिली है कि किस टाइम क्या करना चाहिए, तो गेम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। इस टीम में आकर इतना भरोसा दिखाया मुझ पर, कभी मुझ पर प्रेशर नहीं आने दिया, तो काफ़ी अच्छा लगा। डन सर, थैंक यू। थैंक यू।